हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गड्डी वाला में। मैं हूं राहुल और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी पांच मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट BS6 बाइक के बारे में जो कि इंडिया में अवेलेबल है और लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप शोरूम में जाके उन्हें परचेज भी कर पाओगे। तो ऐसी पांच बाइकों को मैं अपनी लिस्ट में मैंने कंसिडर किया है, तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे कि आपको उनका क्या प्राइस पड़ता है और क्या इंजन स्पेसिफिकेशन मिलती है। तो जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल में जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारी लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर बाइक है वो है हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 इंजन के साथ। तो इस बाइक के हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बाइक तीन वेरिएंट में आती है। एक आती है किक स्टार्ट के साथ, किक स्टार्ट विद ड्रम ब्रेक अलॉय के साथ, सेल्फ स्टार्ट ड्रम ब्रेक अलॉय के साथ प्लस सेल्फ स्टार्ट डिस्क ब्रेक अलॉय के साथ। तो ये तीन वेरिएंट में आपको अवेलेबल है। तो जो सबसे पहले किक स्टार्ट के साथ आती है उसका इंडियन मार्केट प्राइस है 59,600 रुपये एक्सशोरूम प्राइस दिल्ली। जो कि सेल्फ स्टार्ट के साथ आती है प्लस ड्रम ब्रेक के साथ उसका प्राइस है 61,900 रुपये एक्सशोरूम प्राइस दिल्ली। जो कि सेल्फ स्टार्ट प्लस डिस्क वेरिएंट के साथ आती है उसका प्राइस है 63,110 रुपये एक्सशोरूम प्राइस दिल्ली। तो ये तीन वेरिएंट में आपको अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। प्लस अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड प्लस BS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है। जो कि पावर जनरेट करता है 7.9 bhp की एट 8,000 rpm में, साथ ही साथ टॉर्क जनरेट करता है 8.05 Nm की एट 6,000 rpm में। और इस बाइक में आपको 4-speed manual gearbox भी देखने को मिल जाएगा। और जो इस बाइक की माइलेज है जो कि सबसे अच्छी बात है, और इस बाइक आपको BS6 इंजन के साथ आराम से 70 की आसपास की माइलेज दे देती है। और लुक भी इस बाइक का काफ़ी अच्छा है, लोगों में काफ़ी पॉपुलर है ये बाइक, लोगों को काफ़ी पसंद आती है। अब ये BS6 में भी अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। अगर हम बात करें अपनी लिस्ट की फोर्थ बाइक की, वो है हीरो के ही तरफ से हीरो HF डीलक्स BS6 इंजन के साथ। ये बाइक भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए मैंने इसको अपने फोर्थ नंबर पर रखा है क्योंकि इसका प्राइस कहते हैं हीरो स्प्लेंडर से थोड़ा सा कम है और माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको फोर्थ नंबर पर कंसीडर किया है। अगर हम बात करें प्राइस की तो इस बाइक का जो प्राइस है वो दो वेरिएंट में आती है। एक आता है सेल्फ स्टार्ट विद ड्रम अलॉय के साथ, दूसरा आता है सेल्फ स्टार्ट विद डिस्क अलॉय के साथ। तो जो ड्रम वेरिएंट है उसका इंडियन मार्केट प्राइस है 55,925 रुपये एक्सशोरूम प्राइस दिल्ली। जो कि डिस्क वेरिएंट के साथ आती है उसका प्राइस है 57,250 रुपये एक्सशोरूम प्राइस दिल्ली। तो ये आपको अवेलेबल है शोरूम्स में। आप जैसे लॉकडाउन खत्म होगा आप इन्हें बाइकों को जाके परचेज कर पाओगे, इजीली ले पाओगे और काफ़ी कम प्राइस है। 60,000 रुपये की सारी बाइक अंदर ही है। आपका जो बजट है 60,000 से अगर आसपास है तो आप इन बाइक को कंसीडर कर सकते हो। और माइलेज बाइक है ये सारी की सारी। अगर हम बात करें इस बाइक के इंजन की तो इसमें आपको सेम ही इंजन मिलता है जो कि आपको स्प्लेंडर प्लस में मिल जाता है, मतलब 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड विद BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है। जो कि पावर जनरेट करता है 7.9 bhp की एट 8,000 rpm में, साथ ही साथ 8.05 Nm की टॉर्क जनरेट करता है एट 6,000 rpm में। और इस बाइक में भी आपको 4-speed manual gearbox देखने को मिल जाता है। और ये बाइक आराम से आपको 75+ की माइलेज भी दे देती है। तो काफ़ी अच्छी आपको माइलेज मिल जाती है इस बाइक से, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और काफ़ी अगर हम बात करें हीरो की स्प्लेंडर, तो जितनी स्प्लेंडर पॉपुलर है उतनी ही HF डीलक्स भी लोगों में पॉपुलर है। अगर हम अपने लिस्ट की थर्ड बाइक के बारे में बात करें तो वो TVS की तरफ से TVS स्पोर्ट BS6 इंजन के साथ, जिसे TVS ने लॉन्च कर दिया है। तो ये बाइक आपको दो वेरिएंट में मिलती है, एक किक स्टार्ट के साथ दूसरी सेल्फ स्टार्ट के साथ। जो किक स्टार्ट के साथ मिलती है उसका प्राइस है इंडियन मार्केट में 51,750 रुपये एक्सशोरूम प्राइस दिल्ली। जो सेल्फ स्टार्ट के साथ मिलती है वो उसका प्राइस है 58,925 रुपये एक्सशोरूम प्राइस दिल्ली। तो ये बाइक आपको दो वेरिएंट में मिल जाती है देखने को। काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी ज़्यादा आपको इससे माइलेज मिल जाती है, मतलब पहले के मुकाबले BS4 के मुकाबले अब BS6 में आपको 15% तक ज़्यादा की माइलेज दे देती है। मतलब पहले भी काफ़ी अच्छी माइलेज देती थी, BS4 में 80 के करीब दे देती थी, अब आपको 15% और ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी इस बाइक से। तो आप इस बाइक को भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने इसे थर्ड नंबर पर रखा है। जिसमें आपको इंजन मिलता है 109.7 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड स्पार्क इग्निशन ETFI टेक्नोलॉजी के साथ BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है। जो कि पावर जनरेट करता है 8.08 bhp की एट 7,350 rpm में, साथ ही साथ टॉर्क जनरेट करता है 8.7 Nm की एट 4,500 rpm में। इस बाइक में भी आपको 4-speed manual gearbox देखने को मिल जाता है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 90 km/h है, और जो माइलेज मिलती है आपको 80+ की माइलेज मिल जाती है इस बाइक से। तो काफ़ी अच्छी माइलेज मिलती है आपको इस बाइक से। अगर हम बात करें अपने लिस्ट की सेकंड बाइक की, तो वो है बजाज की तरफ से बजाज प्लैटिना, मतलब 100 cc में BS6 वेरिएंट के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये बाइक काफ़ी लोगों में पॉपुलर है माइलेज के लिए, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है। और क्योंकि इस बाइक का प्राइस जो बाकी बाइक्स हैं उससे थोड़ा सा कम भी है और माइलेज उनसे ज़्यादा भी है। और अगर ये बाइक आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी इंटर मार्केट में, एक किक स्टार्ट के साथ दूसरा सेल्फ स्टार्ट के साथ। जो किक स्टार्ट है उसका जो
प्राइस इंडिया मार्केट में वो है 47,264 रुपये एक्स शोरूम प्राइस। दिल्ली जो सेल्फ स्टार्ट है उसका प्राइस है 54,997 रुपये एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। तो ये आपको प्राइस पड़ता है जो कि 60,000 रुपये के अंदर ही है। अगर हम बात करें इंजन की तो इसमें आपको 102 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन कार्बोरेटर, मतलब इसमें कार्बोरेटर ही लगा हुआ है पर उससे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है बजाज ने अपने हिसाब से, और BS6 इंजन के साथ मिलता है जिसे कि बजाज ने अप्रूव करा लिया है इंडियन गवर्नमेंट से। और काफ़ी अच्छा ये पावर भी जनरेट करता है इसका इंजन, 7.9 PS की पावर मिल जाती है आपको एट 7500 RPM में, साथ ही टॉर्क आपको 8.34 न्यूटन मीटर की मिल जाती है एट 5500 RPM में। और इस बाइक में भी आपको फोर स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, और जी माइलेज देती है 80 से 85 किलोमीटर के बीच की माइलेज देती है, और बाइक का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छी बाइक है। और BS4 के मुकाबले काफ़ी कुछ चेंजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मैंने वीडियो बनाई है सभी बाइक्स की, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। अगर हम बात करें अपने लिस्ट की पहली बाइक की, वो है बजाज की सिटी 100 BS6 इंजन के साथ, जो कि ऑल टाइम माइलेज बाइक है। आप ये कह सकते हो अगर हम कोई भी बाइक कभी भी किसी भी साल की बाइक को कंसीडर करें तो यही बाइक आती है पहले नंबर पे जो कि सबसे ज़्यादा माइलेज देती है। अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो ये बाइक दो वेरिएंट में आती है, किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट के साथ। तो किक स्टार्ट का जो प्राइस है वो है 40,794 रुपये एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, जो सेल्फ स्टार्ट के साथ आती है उसका प्राइस है 48,474 रुपये एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। तो इस बाइक का जो प्राइस है वो बाकी सारी बाइक से काफ़ी कम है, और जो माइलेज है वो बाकी सारी बाइक से कई ज़्यादा है। और अब अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 102 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन, मतलब कार्बोरेटर ही है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन है, प्लस BS6 कंप्लाइंट इंजन के साथ आती है बाइक, जो कि पावर जनरेट करती है 7.9 PS की एट 7500 RPM में। टॉर्क आपको मिल जाता है इस बाइक से 8.34 न्यूटन मीटर का एट 5500 RPM में, और फोर स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, और जो माइलेज मिलती है वो मिलती है 85 से 90 किलोमीटर पर लीटर की, मतलब इस बीच की आपको माइलेज मिल जाती है। अगर आपकी रनिंग जो मैंने माइलेज बताई है वो तभी आपको मिलेगी अगर आपकी जो राइडिंग है वो काफ़ी अच्छी राइडिंग है। अगर आप रफ ड्राइविंग करते हो तो आपको ये जो मैंने माइलेज बताई है वो शायद ना मिले, आप बाद में बोलो कि भाई हमारी बाइक ये माइलेज नहीं दे रही है, तभी मिलती है जब आप एक अच्छी राइड करते हो बाइक को, बाइक को प्रॉपर मेंटेन रखते हो तो ही आपको ये माइलेज मिलती है। और ये लोगों की माइलेज गई है, ये रियल माइलेज है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो तभी मैं आपको ये माइलेज बता रहा हूँ, और तभी मैंने इन सब बाइक को कंसीडर किया है अपनी टॉप 5 लिस्ट में। काफ़ी अच्छी बाइक है, अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हो तो आप एक बार गौर कर सकते हो मेरी लिस्ट पर, काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी अच्छी माइलेज देती हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, और जो प्राइस है और 60,000 के अंदर है सभी बाइक्स का। तो आपको कौन सी बाइक पसंद आई, कौन सी बाइक की आप, ऐसी कौन सी बाइक है इन पाँचों में से जो आप लेना चाहोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना।